Assalamu alaikum, dear students. So, I am here with another uh, lecture uh, in your physics regarding our ORCC.

वैक्टर मल्टीप्लीकेशन एंड ब्ल्यूमी दिस वैक्टर मल्टीप्लीकेशन इन फिजिक्स इज ऑफ टू टाइप्स नंबर वन इज अगर आप वैक्टर को वैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और आपको रिजल्ट क्वांटिटी स्केलर मिलता है ऐसे प्रोडक्ट को फिजिक्स में हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं एंड दिस इज द रीजन कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई वेक्टर करने पे आपका रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर स्केलर क्वांटिटी आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं दूसरा टाइप ये है कि अगर आपने वैक्टर को वैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्टेंट भी वैक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है ऐसे प्रोडक्ट को फिजिक्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं तो यह चीज आप बच्चों को क्लियर होनी चाहिए तो अब आपको कुछ गोटा याद नहीं रखना है आपको पता होना चाहिए वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इफ यू आर गेटिंग स्केलर इट इज डॉट प्रोडक्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर यू आर गेटिंग वेक्टर इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट अब हम एक एक करके दोनों प्रोडक्ट को विद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो पहला जो प्रोडक्ट है हमारा दैट इज नंबर वन अब पहला प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट सर डॉट प्रोडक्ट आपने समझाया हमें कि आप वेक्टर को वेक्टर पर वेक्टर uh, से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर एंड वी आर गेटिंग अ स्केलर ये इसकी जनरलाइज डिफिनीशन है ऐसे प्रोडक्ट्स हमेशा फिजिक्स में होते हैं स्केलर प्रोडक्ट्स तो दैट इज़ वाई वी से डॉट प्रोडक्ट इज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि रिजल्टन क्वांटिटी जो आपके पास आ जाती है वो स्केलर नेचर की होती है अब सर अगर मेरे पास दो वैक्टर्स है ए एंड बी इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं अब आप आ, आराम से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं सुनिए अगर आपके पास दो वैक्टर्स है तो वैक्टर के पास पहले लेक्चर में हमने आ, जो डिस्कशन किया वैक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है और अब अगर आपके पास स्पेस में दो वेक्टर्स है तो वो दो वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं थीटा जीरो है या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं थीटा 180 परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं थीटा 90 है सिक्सटी भी हो सकता है एंगल 30 भी हो सकता है 120 भी हो सकता है बट हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अगर मैं स्पेस में दो वैक्टर्स ऐसे लेता हूं दिस इज वैक्टर ए विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिस इज वैक्टर बी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सो दिस इज वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी एंड एंगल बिटवीन दम इज थीटा तो मैंने जनरलाइज्ड वे में आ, हम मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास स्पेस में दो वैक्टर्स है वो पार्लल भी हो सकते हैं एंटी पारलल भी हो सकते हैं परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं बट हमने जनरलाइज्ड कंडीशन को डिस्कस करना है इसलिए मैंने उनके बीच में टू ब्रेक इट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं और जिस कंपोनेंट के साथ थीटा वो कॉस होता है और जिस कंपोनेंट के साथ थीटा नहीं वो साइन कंपोनेंट होता है तो बी को जब रिजोल करेंगे तो ये हो गया थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो बी का होगा

इसका मल्टीप्लीकेशन वैक्टर बी मतलब डॉट करना है तो किसके बराबर होता है इट इज डिफाइंडेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर जो पहला वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वैक्टर की डायरेक्शन में है वो बी थीटा है क्योंकि बी के दो कंपोनेंट है एक इन द डायरेक्शन है और दूसरा परपेंडिकुलर टू तो द डायरेक्शन है बट जो पैरेलल वाला है बी ए के डायरेक्शन may that is b cos theta and this is the standard definition of dot product so dot product is defined as a b cos theta that is magnitude of first vector and uh, the component of another in the direction of the first vector so this is your अब इसकी पे हम, जाएंगे, और में हम जो प्रॉपर्टीज इसके साथ हम जो प्रॉपर्टीज इसके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू सिमिलर यूनिट वैक्टर्स तो आपको पता होना चाहिए अब मैं दूसरा ए, स्लाइड यहां एड करता हूं तो आ, अगर हम डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन देखें तो जब भी हम ए डॉट बी दो वेक्टर्स का करते हैं वो हमेशा होता है बराबर ए बी कॉस थीटा ए हो गया पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो गया दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा थीटा हो गया ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल मतलब मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा कॉस्ट थीटा ऑफ थीटा का कॉस्ट जो है आपको लेना पड़ेगा उनके उनके बीच में अब जो है अब uh, प्रॉपर्टीज़ में नंबर वन के हम करने जा रहे हैं आई डॉट आई सर व्हाट इज़ आई आई कैप व्हाट इज़ आई कैप इट इज़ यूनिट वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड इज़ वन बट डायरेक्शन इज प्रॉपर एंड दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज एक्स एक्स डायरेक्शन तो आप जानते हो काट इजन कॉर्डिनेट सिस्टम में दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जड एक्सिस बाहर की तरफ हम कहाँ बना सकते हैं बोर्ड पर ये टू डायमेंशन है तो जड तो इसके साथ आप एसोसिएट करते हैं आई कैप मतलब एक्स्ट्रैक्शन uh, इसके साथ जे कैप मतलब वाई uh, डायरेक्शन इसके साथ के कैप मतलब जड uh, डायरेक्शन और इनका मैग्नीट्यूड वन है बट डायरेक्शन प्रॉपर है एक्स वाई एंड जेड दे आर सेट टू बी यूनिट वेक्टर्स अब हमारे पास दो वेक्टर्स है आ, एक है आई कैप और दूसरा भी आई कैप है तो दो वेक्टर्स हैं इनका डॉट करने जा रहे हैं तो डेफिनेशन कहती है ए का मैग्नीट्यूड तो पहले आई का मैग्नीट्यूड वन है यूनिट वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई फिर बी दूसरे वैक्टर का भी मैग्नीट्यूड जो है आई कैप का वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल तो एंगल अगर आप देखोगे आई आई है तो आई डॉट आई आई जो है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है एक्सिस में है तो थीटा जीरो हो गया बिकॉज दे आर पार्लल टू इच अदर कॉस्ट ऑफ जीरो वन होता है वन इंटू वन इंटू वन इज वन तो आई डॉट आई वन के बराबर है सिमिलरली आप बोल सकते हो आज के बाद जे डॉट जे बी अगर आप देखोगे वो भी वन के बराबर आएगा और अगर आप K K भी के डॉट के वी देखोगे वो भी वन के बराबर आएगा तो द कंक्लूजन इज दैट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू सिमिलर यूनिट वैक्टर्स इज ऑलवेज वन जब भी आप दो सिमिलर यूनिट वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो वो हमेशा वन के बराबर होता है अब हम चेक करेंगे दूसरा केस कि के हम डॉट प्रोडक्ट दो डिसिमलर यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो मैं करूंगा आई डॉट जे दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई का वन है मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वैक्टर मैग्नीट्यूड वो भी वन है क्योंकि यूनिट वैक्टर है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम तो आई और जे मतलब होता है एक्स एक्सिस इज एक्सिस एंगल इज एंगल्टी कॉस ऑफ नाइनटी जीरो तो पता चला आई डॉट जे जो है वो जीरो होता है तो डिसिमिलर यूनिट वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इन द सेम फैशन मैं लिख सकता हूं डॉटी जीरो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड हियर इज वट वी कॉल एस कंडीशन ऑफ परपंडिकुलरिटी कंडीशन ऑफ परपेंडिक्यूलैरिटी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ऑफ परपेंडिक्युलरिटी कहता है कि जब भी फिजिक्स में आपके पास दो वैक्टर्स हो और वो एक दूसरे परपेंडिक्युलर हो तो मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है तो अगर आप डेफिनेशन से जाएंगे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी होता है बराबर ए बी कॉस थीटा बट यहाँ पे थीटा अगर आप देखोगे दो के बीच में 90 है और कॉस्ट ऑफ 90 जो है

टेंथ uh, में भी पढ़ा होता है मैथमेटिक्स में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट तो कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप ए डॉट बी करते हो वो हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर मैं एक क्वेश्चन से आपको क्लियर कर दूं मान लीजिए मेरे पास एक वैक्टर है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप और दूसरा वैक्टर मेरे पास बी है और ये वैक्टर जो है मेरे पास मान लीजिए टू आई कैप है माइनस जे कैप प्लस टू के कैप हमें इनका कैलकुलेट करना है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी तो जैसे आपसे पूछा गया डॉट प्रोडक्ट तो अब आप देखिए सोल्यूशन में हम जाएंगे तो मैं लिखूँगा ए डॉट बी इज इक्वल तो वैक्टर ए दिया गया है मैं लिखूँगा आई प्लस टू जे प्लस के और इसका डॉट मैं करूंगा बी के साथ एंड दैट इज गिवन इट इज टू आई माइनस जे प्लस प्लस टू के प्लस टू के चलिए अब आप जानते हो कि आई का पहले आई के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और दो सिमिलर यूनिट वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होता है तो आई डॉट आई वन एंड दैट इज ऑनली टू और उसके बाद आई डॉट जे जीरो करने की जरूरत नहीं आई डॉट के जीरो करने की जरूरत नहीं इसका मतलब जे का जे के साथ होगा तो जे डॉट जे हो गया वन ए हो गया माइनस टू और लास्ट में के का के, के साथ होगा क्योंकि डिसिमिलर का हमेशा जीरो होता है तो प्लस इट इज प्लस प्लस टू तो यह माइनस टू प्लस टू कैंसल आउटर आया टू इसने कोई डायरेक्शन का नहीं है और ए डॉट बी जो है अगर आप आप रिपीट करोगे पहले बी लिखोगे फिर ए के साथ उसको डॉट करोगे तब भी आंसर टू ही आएगा दैट इज वॉट यू मीन बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे आप ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए आंसर हमेशा रिड्यूस टू टू होगा इस केस में तो ये एक तो स्केलर रिजल्टेंट uh, आया दैट्स इस वाई इट कल्ड स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा ये हो गया क्लियर कि अगर आप ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए आंसर इन बोथ केसेस विल बी टू दैट इज वाई वी से दैट ए डॉट बी इज इक्वल्ड बी डॉ ए एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक्जाम्पल एक में इस मैं इसमें क्लियर कर दूँ ऐसा कौन सा क्वांटिटी uh, है फिजिक्स में जो डॉट प्रोडक्ट है और रिजल्टेंट स्केलर है तो आपको पता होना चाहिए वर्क पावर एनर्जी में आप पढ़ते हो वर्क इज इक्वल्ड एफ डॉट एस तो फोर्स भी वैक्टर है डिस्प्लेसमेंट भी वैक्टर है बट रिजल्टेंट क्वांटिटी वर्क है और ये वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है फिजिक्स में इसका मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल और फिर बाकी आप फ्लक्स पढ़ते हो क्लास ट्वेल्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो और क्वांटिटीज इसमें ऐड हो जाएंगी बट दिस द बेसिक क्वांटिटी जो हम आपको आ, जो है जब हम आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते हैं एंड दिस कंप्लीट अवर डॉट प्रोडक्ट उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है दैट इज वॉट वी कॉल एज क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या है सर तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपका रिजल्टेंट भी वेक्टर आता है ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं सर वाई क्योंकि रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी को ही लीड करता है नाउ हाउ टू डिफाइन अगर मेरे पास आप वैसे ही दो वैक्टर है ए और बी और मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना है तो कैसे करें? तो मैंने अभी आपको बोला जब भी दो वैक्टर्स की बात हो तो स्पेस में हम दो वैक्टर्स बनाते हैं दिस इज वैक्टर ए एंड दिस इज वैक्टर बी जनरलाइज्ड और उनके बीच में एंगल थीटा अब ये पर्रल भी हो सकते हैं एंटी पर्रल भी हो सकते हैं तो हमने कोई रिस्क नहीं ली हमने थीटा लिया फिर से रेजोल्यूशन पे आएंगे एक बी के दो कम्पोनेंट ये वाला कम्पोनेंट हो गया कॉस क्योंकि इसके साथ थीटा है, <coughs> और ये वाला कंपोनेंट हो गया साइन क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं है बी साइन थीटा नाव हाउस आर कॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड इट इज डिफाइनड एज कि ए क्रॉस बी क्रॉस से हम डिनोट करते हैं इसको इज इक्वल्ड मैग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर दैट इज ए

है। that is what is true about cross product. अब इसकी पे हम जाएंगे, तो प्रोपर्टीज में प्रोपर्टीज में अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज में अगर आप दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन में लिखूं ए क्रॉस बी होता है बराबर ए बी साइन थीटा बट विद डायरेक्शन बट विथ डायरेक्शन तो नीटा कैप से वो मैंने आपको आपको दिखाया हम मल्टीप्लाई करके रखते तो सर आप दो आई क्रॉस आई इज इक्वल बिटवीन दम और आई और आई परल होता है तो जीरो साइन ऑफ जीरो होता है बराबर जीरो तो पता चला आई डॉट आई क्रॉस आई जीरो केस में आई डॉट आई वन

सर्कल्स में यहां पे मैं लिखता हूं आई कैप ये हो गया आपका जे कैप और ये हो गया के कैप क्योंकि हमें डायरेक्शन साथ में निकालनी है। तो निकाली कैप दिस इज हम हम कैसे कर रहे हैं अगर हम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉक तो और अगर हम clockwise कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए सर मतलब मतलब ये है है कि हम करेंगे I cross J, दो दो unit vectors का cross product. Similar का तो हमेशा जीरो होता के किसके बराबर है? तो बचा क्या

बराबर है जबकि के बराबर है। इसका मतलब मैग्निट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है अगर के कैप बाहर की तरफ होता है माइनस के कैप अंदर की तरफ होता है ऐसी प्रॉपर्टी को हम एंटी प्रॉपर्टी कहते हैं तो पता चला

अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल कहता है ये आपको पीडीएफ में मिलेगा कि अगर आपके पास दो वैक्टर्स है वैक्टर ए और वैक्टर बी सच दैट उनमें जो एंगल है बिटवीन दम दैट इज थीटा और आपसे कोई पूछ रहा है कि हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बोलो तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होगा इसका मैग्नीट्यूड ए का बी का और फिर साइन ऑफ थीटा बट राइट हैंड थंब रूल कहता है दैट अगर आप राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट देखो वो कहता है

रिजल्टेंट वैक्टर मिलता है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसकी एक एग्जाम्पल है फिजिक्स में दैट इज है इसमें टॉर्क टॉर्कर क्वानिटीड एज आर क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा होना चाहिए दैट इज मल्टीप्लाइड बाई वैक्टर अगेन गटिंग ए वैक्टर ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है मगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वहाँ वर्क दिखाया डॉट प्रोडक्ट में और यहां आपको टॉर्क दिखाया जो है क्रॉस uh, प्रोडक्ट में एंड दिस कंप्लीट्स आवर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में रिगार्डिंग वैक्टर फिजिक्स में So thank you so much.